फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्दार बोल रही हूँ। आज मैं आपको एक अच्छी न्यूज़ लेके आई हूँ। वो न्यूज़ क्या है, चलिए हम देखते हैं। आज तक मैंने आपको बताया है कि दुनिया भर में ऐसे 6 लोग थे जो HIV मुक्त हो गए, लेकिन अभी एक 7वां पेशेंट भी जो जर्मनी का है वो भी HIV मुक्त हो गया है। अभी ये जो जर्मन मैन है वो किसके लिए, उसके जो शरीर में जो HIV के वायरस थे वो अभी नहीं दिखे हैं और उसको डिक्लेयर कर दिया है कि वो HIV मुक्त हो गया है। वो आदमी 2015 में उसको स्टेम सेल्स सेल का ट्रांसप्लांट हुआ था और उसको माइलॉइड ल्यूकेमिया था। वो पहले से HIV पॉजिटिव था और 2015 में उसको जो माइलॉइड ल्यूकेमिया हुआ तो वो डायग्नोस उन्होंने किया और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करने का इरादा किया और उन्होंने उस पर स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट भी किया। और 2018 से उसकी जो ट्रीटमेंट थी ERT वो बंद की गई, लेकिन बाद में जब उनका सीरियली फॉलोअप कर दिया गया तब उनके जो वायरल लोड थे वो TND में टारगेट नॉट डिटेक्टेड ऐसे ही आए और उनके शरीर के लिए उन्होंने साइंटिफिक ऐसे किए तो उनके शरीर में HIV के वायरस नहीं दिखे। अभी ये HIV जो था ये क्रिश्चियन गेबलर जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये केस 25th इंटरनेशनल एड्स कॉन्फ्रेंस म्यूनिच में प्रेजेंट किया और वो डॉक्टर क्रिश्चियन गेबलर उन्होंने वो सिग्निफिकेंट क्या है इस पर उन्होंने प्रकाश डाला और वो बोले कि जो डोनर था जिससे ये जर्मन पेशेंट को स्टेम सेल्स ली गए हुए वो एक HIV रजिस्टेंट पेशेंट था और ये ट्रीटमेंट अभी तक सब जगह भी अवेलेबल नहीं है और ये स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एक थोरैविक रोगों के लिए ही होती है। तो वो जो उसका जो डोनर था जो स्टेम सेल्स ले गया गया वो HIV रेजिस्टेंस होता है और वो दुनिया में सिर्फ 1% पेशेंट में ही HIV रेजिस्टेंस के जो स्टेम सेल्स होते हैं वो होते हैं। वो ढूंढना बहुत मुश्किल होता है लेकिन उसके लिए तो उन्होंने वो ढूंढा और जो डोनर होते हैं उसको उसके इसमें जो प्रोटीन्स था CCR5 जो अपना ह्यूमन सेल के सरफेस पे होता है और HIV जब अपने शरीर में अटैक करती है। अभी इसके बारे में एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो डोनर था और जो डोनर ने ये जर्मन पेशेंट को स्टेम सेल्स डोनेट किया उसका जो जेनेटिक मेकअप था वो यूनिक था। यूनिक यानी कि उसके जो इम्यूनिटी के सेल्स थे उसमें मैंने बोला CCR5 है उनके जो जेनेटिक मेकअप यूनिक था उससे जो जीन थे तो वो जीन में CCR5 जो प्रोटीन्स होता है वो एक ही होता है। और हमेशा नॉर्मल पीपल में क्या होता है अपनी जो इम्यूनिटी सेल होते हैं उसमें वो CCR5 जो प्रोटीन्स होता है वो दो प्रकार के होते हैं और जब HIV का अटैक होता है वो जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरसेस अटैक करते हैं तो ये CCR5 जो होता है उस पर वो बाइंड करता है और अपने कॉपीज बनाता है और रेप्लिकेट करता है। लेकिन ये स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट तो ज़रूर हुआ लेकिन उसको जो डोनर चुना गया उसके शरीर में सिर्फ एक पैर एक ही CCR5 का प्रोटीन्स था और दूसरा और एक कॉपी का जीन्स था। तो इसके लिए ये दोनों जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से शायद वो जो डोनर था वो चुना गया और उसका स्टेम सेल्स उनके अंदर डाला गया और उसका जो
ऑपरेशन था, मैंने बोल दिया कि वो 2015 में हुआ और 2018 से उनकी ईआरटी बंद कर गई। अभी ईआरटी बंद करने के बाद जब सीरियली उनका CD4 काउंट, वायरल लोड देखा गया तो वायरल लोड TMB सप्रेस से ही आया, तो वो ये नतीजे पे पहुँचे कि अभी वो पिछले साल उनको क्योर करके डिक्लेयर कर दिया। और वो 25 जो कॉन्फ्रेंस था उसमें क्रिश्चियन गैबलर, ये जो साइंटिस्ट है, उन्होंने वो पेपर पढ़ा और उन्होंने इसको डिक्लेयर करके कि ये 7th पेशेंट है दुनिया भर का, ऐसा जाहिर किया। अभी आप सब लोगों के मन में ये विचार आता है कि ये स्टेम सेल्स को हम HIV बाधित है तो हम लोगों के लिए क्यों नहीं है, तो नहीं। तो उन्होंने उसका रीज़न भी दिया कि ये जो ट्रीटमेंट है ये एक ठराविक HIV पॉजिटिव लोगों के लिए है, क्योंकि जो HIV पॉजिटिव लोग हैं और जिनको आगे जाके एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर हुआ है उसके ऊपर ये स्टेम सेल्स दी जा सकती है। दूसरा, ये बहुत टॉक्सिक नहीं, उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत है। तीसरा, ये बहुत महंगा है और सब लोगों को ये कॉस्ट उसका फॉरवर्ड ना बोलता है ना, मीन्स उनको वो अफोर्ड नहीं कर सकते। चौथा, ये स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जो है उसके लिए, वो करने के लिए उसके लिए एक अलग सेटअप होना चाहिए, नहीं ऑपरेशन थिएटर ये ऐसा होना चाहिए, तो वो सब देशों में नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ये जो पेशेंट्स है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया के, वो उनको ही स्टेम सेल्स जो ट्रांसप्लांट है वो दिया जा सकता है, क्योंकि ये जो ऑपरेशन है वो बहुत ही डिफिकल्ट भी है, टॉक्सिक भी है, उसमें साइड इफेक्ट्स भी है, उसमें अदर माउथ आने के चांसेस भी है। तो जो जब ये जर्मनी के पेशेंट 2018 में जब बंद कर दिया उनका ट्रीटमेंट, तो उन्होंने हर एक प्रकार के जो माइनर अच्छे अच्छे एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशंस भी कर दिए, तो उसमें रिजर्वायर भी नहीं मिला और वो HIV मुक्त हो गया, उसके शरीर में तो HIV ही नहीं मिला। तो उससे उन्होंने ये नतीजे भी आए शायद, क्योंकि उनको उनका जो कॉज है मीन्स कारण है वो नहीं मिला, लेकिन वो ये नतीजे भी आए कि वो जो डोनर था वो सिर्फ दुनिया में 1% ऐसे लोग होते हैं जिनके इम्यून सेल्स के ऊपर CCR5 नहीं होता है या एक पैर होता है, तो ऐसे लोग ढूंढने बहुत ही कठिन है। और दूसरा, ये जो उसकी वजह से जब वो स्टेम सेल्स अच्छा वाला दे गया वो पेशेंट को, तो वो स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट क्या करता है, उसमें जो सेल्स वो जो रिजर्वायर है उसको एलिमिनेट करता है, और दूसरे रिजर्वायर जो है एलिमिनेट करके निकाल देता है और सब HIV वायरस को मार देता है, मीन्स खात्मा कर देता है। तो ये मेन मैकेनिज्म होगा ऐसे वो बोलते हैं। और डॉक्टर स्टीवन सिंह बोलते कि सिर्फ प्राण पर जिंदा नहीं रखता और वायरस भी उभरता नहीं, और स्टीवन डिक्स ने ये लीडिंग HIV क्यूर रिसर्च है ऐसे बोला है। और आगे जाके वो अपने पेशेंट पे भी उसका कम कीमत में कैसे कर सकते हैं ये वो देख रहे हैं। और इसके पहले तो 6 पेशेंट दुनिया से मुक्त हो गए हैं, और ये गैबलर साइंटिस्ट बोलते हैं कि HIV रजिस्टेंट इम्यून सेल्स जो है वो ज़्यादा करके ये चांसेस बढ़ाते हैं कि वो शरीर में HIV के रिजर्वायर को निकल देते हैं। और उन्होंने ये कहा कि हम लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि न्यू इम्यून सिस्टम यानी उसके शरीर में वो सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट कर देते हैं, और जो ये पेशेंट से शरीर का रिजर्वायर निकाल देते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि शायद स्टेम सेल ट्रांसप्लांट इम्यून सेल वायरल रिजर्वायर पे अटैक करके उनको खात्मा करता होगा, और शायद एक डोनर की भी जो इम्यूनिटी है और इनकी इम्यूनिटी है
उससे वो अच्छे रिजल्ट्स वो देता होगा, क्योंकि अभी तक उनको 100% मालूम नहीं वो कैसे यूज़ करते हैं। और इससे पहले सुमित ही राय था, उनको भी एक्यूट लिम्फोइड हेव था। उसमें एडम विल्सन लंदन का एक 44 था, वेनजुला का था। मीन्स इसके पहले 6 जन दुनिया से HIV मुक्त हो गए और ये 7वां पेशेंट था। तो व्यूअर्स, मुझे लगता है कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इसके बारे में अगर कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं जरूर शेयर करूँगी।